दोस्तों, सच्ची हिकायत और नसीहत की किताब से ये वाकया आपको बताया जा रहा है। एक साहब कहते हैं कि मैं हर जुमा को सुबह फजर की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाया करता था और उनकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी करता था और उसके बाद मैं वहीं से अपने काम की तरफ निकल जाया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जुमे के रोज़ सुबह फजर की नमाज के बाद कब्रिस्तान गया। मैंने जैसे ही कब्रिस्तान में अपना पहला कदम रखा तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उस दिन कब्रिस्तान में ऐसी खुशबू आ रही थी कि ऐसी खुशबू मैंने आज तक कभी नहीं सूंघा था और ना ही ऐसी महक मैंने उससे पहले महसूस किया था। आज मैंने उस नए खुशबू को कब्रिस्तान में महसूस किया था और उस खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया, क्योंकि वो खुशबू किसी भी तरह से इस दुनिया की खुशबू नहीं लग रही थी। खैर, उसके बाद मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा और फातिहा खानी करने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की कब्र के फासले पर एक नई कब्र बनी हुई है। उस पर ताज़ा फूल और नई चादर रखी हुई है। उससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह कब्र 2 या 3 दिन पहले ही तैयार की गई है। उसके बाद जब मैं वालिद साहब के कब्र से फारिग हुआ तो मैं वापस जाने लगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस नई कब्र पर भी दुआए मगफिरत मांग लूँ। ये सोचकर मैं उस नई कब्र की तरफ चल पड़ा और वहाँ जाकर मगफिरत की दुआ मांगने लगा। दुआ के दौरान मैंने महसूस किया कि जो खुशबू मैंने कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त महसूस किया था, वो खुशबू इस कब्र से आ रही थी। फिर मैंने उस कब्र की मिट्टी को मुट्ठी में भरा। उस मिट्टी को छूते ही एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि उस कब्र की मिट्टी बहुत ठंडी थी, जैसे नम हो, लेकिन वो मिट्टी खुश्क थी, यानी कि सूखी थी। इसलिए मैं इस बात को देखकर भी हैरान हुआ कि इस कब्र की मिट्टी कितनी ठंडी और नम है। उसके बाद मैंने अपनी हैरत को अपने पास रखा और उस मिट्टी को वापस उसी कब्र में डाल दिया और अपने हाथ झाड़ते हुए वहाँ से चल पड़ा और वहीं से अपनी दुकान पर चला गया और दुकान खोल कर बैठ गया। उसके बाद मेरी दुकान पर जब पहला ग्राहक आया और उसने जो सामान मुझसे मांगा, मैंने उसे वह सामान दे दिया। जैसे ही मैंने उसे सामान दिया तब वो कहने लगा कि भाई, आज तो खुशबू बड़ी कमाल की लगाए हुए हो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ कि भाई, कैसी खुशबू, मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई है, मेरे हाथों पर तो मिट्टी लगी हुई है। देखो, ये सुनकर वो ग्राहक कहने लगा, क्यों मजाक कर रहे हो भाई, आपने बहुत अच्छी खुशबू लगाई है और वो भी ऐसी खुशबू कि मैंने इससे पहले कभी भी महसूस नहीं की। इतना कहते हुए वो ग्राहक वहाँ से चला गया। अब मैं पहले ही हैरान था, अब मैं उसकी बातों को सुनकर और भी हैरानगी में पड़ गया। सोचते सोचते जब मैं अपने हाथ को अपने नाक के करीब ले गया तो मैंने महसूस किया कि वही खुशबू है जो मेरे हाथों से आ रही है। उसके बाद पूरे दिन मैं उस नई खुशबू को महसूस करता रहा। उसके बाद मैंने कई बार अपने हाथ भी धोए थे, मगर वो खुशबू मेरे हाथों में वैसे के वैसे ही रह गई। उसके बाद अगले दिन यानी कि हफ्ते के बाद मैं ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा और अपने वालिद साहब की कब्र पर दुआए मगफिरत करने के बाद उस नई कब्र की तरफ चल पड़ा, ये सोचकर कि ये नई कब्र किसकी होगी, आखिर कौन है उस कब्र के अंदर जो इतना नेक है, आखिर उसने ऐसा कौन सा अमल किया होगा जो उसकी कब्र इतनी ठंडी और खुशबूदार है, उसने ऐसा कौन सा काम किया होगा जिसके बदौलत उसको इतना बड़ा इनाम मिला होगा। यही बात सोच कर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। यही बात सोचता हुआ मैं उस कब्रिस्तान के काम करने वाले के पास जा पहुँचा और उससे पूछा कि भाई, ये कब्र किसकी है। तो उसने मुझे बताया कि साहब, ये कब्र एक औरत की है। ये जानकर मैं और ज़्यादा हैरान हुआ और सोचने लगा कि भला उस औरत को ये शानदार मकाम किस तरह से मिला होगा। उसके बाद अगले दिन इतवार का दिन था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद भी मैं सुबह फजर की नमाज के वक्त उठ गया और सीधा कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा कि उसी औरत की कब्र पर एक बुजुर्ग आदमी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। फिर मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर गया और दुआए मगफिरत करने के बाद मैंने उस आदमी की तरफ देखा
वो बुजुर्ग आदमी भी उस नई कब्र पर दुआ कर रहा था। जब वो आदमी दुआ से फारिग हुआ तो मैंने देखा कि उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। वो सिसक सिसक कर रो रहा था और बिलख रहा था। मैंने ये सोचा कि इस आदमी को इस कब्र में सोने वाली औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत रही होगी, तभी तो ये उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, उसकी जुदाई के गम में सिसक सिसक कर रो रहा है। मैंने देखा कि वो बुजुर्ग आदमी दुआ से फारिग होकर वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाने लगा तो मैंने उसको आवाज़ लगाई कि जनाब एक बात सुनिए, बस थोड़ी देर के लिए आप मेरी बात को सुन लीजिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको तकलीफ़ दी, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे पूछ लूँ। तो बुजुर्ग कहने लगे कि इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने नहायत अदब और मोहब्बत के साथ जवाब दिया। मैंने कहा जी शुक्रिया आपका। मैंने कहा अभी आप जिस कब्र पर दुआ मांग रहे थे ये कब्र किसकी है, अगर आप मुनासिब समझे तो बता दीजिए। तो वो बुजुर्ग कहने लगे जी आप ये क्यों पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा कि दरअसल इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। इस कब्र की ऐसी खुशबू मैंने आज तक कहीं पर भी दूसरी और महसूस नहीं की। मुझे ये खुशबू इस दुनिया की नहीं लगती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि साहिब कब्र में ऐसा कौन सा अमल किया है जिसकी वजह से ये मकाम मिला है कि उसकी कब्र बहुत ही ठंडी और खुशबूदार है। ये सुनकर उस बुजुर्ग ने ठंडी आह भरी और कहने लगे कि कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों ना होगी, उसने अल्लाह को राजी ही इस तरह से किया है। जी मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि उसने ऐसा कौन सा अमल किया है, ऐसा कौन सा काम किया है जिससे उसको ये इनाम मिला है। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि ये मेरी बीवी की कब्र है, 30 साल का हमारा साथ रहा है, मैं 4 बहनों का एक लौता भाई हूँ। मेरी बहनों को और मेरी माँ को मेरा शहरा देखने का बहुत शौक था। जैसे ही मैं किसी काम पर लगा तो उन्होंने चांद जैसी दुल्हन तलाश करनी शुरू कर दी। फिर कुछ ही दिनों में लड़की भी ढूंढ निकाली और उसके साथ मेरी शादी करवा दी। मेरी माँ और मेरी बहन अपनी अरमान दिल खोलकर पूरे किए। उसके बाद शादी की पहली रात ही मैंने उसका घूंघट उठाने से पहले ही अपना पग उसके कदमों में रख दी और साफ साफ अल्फाज में उसको बता दिया कि आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका हक अदा नहीं कर सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपकी ख्वाहिश को पूरी कर सकूँ। यानी कि मैंने उसको साफ साफ बता दिया कि मैं एक नामर्द इंसान हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहता था, मगर मैं अपनी माँ और बहनों की खुशी के खातिर खुदगर्ज बन गया और सिर्फ उनके ख्वाहिश के लिए आपसे शादी की है, अब अगर आप चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। ये सुनकर मेरी बीवी ने मेरी पग उठाई और वापस मेरे सर के ऊपर रख दी, फिर कहा कि आप जैसे भी हो, आप मेरे सुहाग हो, मेरा नसीब हो, मुझे अब आपके साथ ही रहना है। उस दिन के बाद अल्लाह की उस नेकबंदी ने मेरे साथ 30 साल का वक्त गुजार दिया, मेरे घर वालों की हर कड़वी बात को बर्दाश्त किया, बांझ होने के ताने सुने मगर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह कैसे उसकी कब्र को ठंडा और खुशबू ना करता जिसने इस दुनिया में पाक और साफ जिंदगी गुजारी हो। इतना कहते हुए वो बुजुर्ग जारो कतार रोने लगे और कहने लगे कि इस औरत ने 30 सालों तक सब्र किया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने मेरा पर्दा रखा और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत के बागों में से एक बाग उसको अता किया है। फिर वो बुजुर्ग कहने लगे बस मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी औरत से आप वफा चाहते हो तो उसको वक्त दो, उसको मोहब्बत दो, उसको भरोसा दो और सबसे बड़ी बात उसे इज्जत दोगे तो वो आपके लिए जान दे देगी, मगर आपके साथ वो कभी बेवफाई नहीं करेगी। और ऐसी औरत जो सब्र करती है, अपने शौहर की खामियों को और कमियों को छुपाती है, ऐसी औरत का बहुत बड़ा मकाम होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये वीडियो और ये वाक्या आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।